तो अभी निकल लिया स्कॉर्पियो और जा रहे हैं हम बाहर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माधव तो आ गए हमारे साथ। निशित, कहाँ जा रहे हैं हम? बेड़ी पोर्ट। तो नहा धो के तैयार हो गए वो भी, और अभी हम जा रहे हैं स्कॉर्पियो में। हमारे साथ निशित, अजय भाई और विजय गाड़ी चला रहा है अभी, और अभी हम जा रहे हैं स्कॉर्पियो लेके, क्योंकि दो दिन से कहीं निकले नहीं है और आज संडे है और 12:30 बज गए हैं। काफी लेट हो गया है हमें। मैं तो ज्यादातर संडे को लेट ही तैयार होता हूँ, लेकिन निशित जल्दी तैयार हो जाता है, और आज उसका संडे स्कूल में छुट्टी है इसलिए उसे घूमने के लिए जाना है। हर संडे को जाता ही है, बाकी के दिनों में तो उसे स्कूल और वो सब होता है, पढ़ाई लिखाई। क्यों? एग्जाम होती है हर दो दिन के बाद। तो निशित को अभी जाना है हाईवे पे, क्योंकि हाईवे पे ले चलो, क्योंकि आज संडे है और उसको घूमना है, तो इसलिए हम सब निकल गए साथ में। साथ में हमारा वीडियो भी बन जाएगा। क्यों? बिल्कुल। हाँ, कहाँ जाना है तुम्हें? हाईवे। क्यों हाईवे पे? ऐसा घूमने। क्यों हाईवे पे क्या होता है? नदी, रिवर। अच्छा, रिवर देखने के लिए जाना है, नदी देखने के लिए। यस। तो मजा आता है बहुत। ये गाना तूने डाला? Yes. क्यों? Yes. इतना ये तो इतना पुराना है, तुम्हें पता भी चलता है इसमें? Old is gold. इस गीत में क्या है ऐसा? वो तो अभी पता चलेगा। Oh my God, OMG. इसमें भी anything? कोई भी पुराना है नया की तो हनी सिंह तो चाहिए ऐसा है। आ गए अभी हाईवे पे, आ गए ना अभी हाईवे पे। हाईवे पे क्या होता है? क्या? नदी। क्या हुआ? मधुमक्खी है। मधुमक्खी नहीं है यार। पानी बहुत बढ़िया है, तो अब चलिए चलते हैं यहाँ से। गाड़ी को यहाँ पे ग्राउंड पे भी खड़ी की है और यहाँ लेके सूट और रील्स बनाएंगे। अभी जा रहे घर पे, तो आ गए वो भी बाहर घूम के निश्चित और सबके साथ, और अभी खाना खा लेता हूँ क्योंकि दोपहर के 2 बज गए अभी, पता नहीं चला, थोड़ा टाइम चला गया इसमें। और कल या परसों हमारी बाइक आ जाएगी, तो स्टे ट्यून, देखते हैं कल होगी या परसों। चलिए बाद में मिलते हैं, पहले खाना खा लेता हूँ। तो अभी गुजरात के 8 बज गए हैं और अभी जा रहा हूँ मैं, अपनी जो स्कूटी थी वो बेच दी हमने, 2 भाई है वो लेने आ रहा है, और जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करना है,
तो अभी जा रहा हूँ मैं, और विजय भाई आ रहे हैं साथ में। तो अभी जा रहा हूँ मैं बुलेट लेके, और बाद में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि स्कूटी वैसे भी पड़ी रहती थी घर में। आपने देखा पुणे वीडियो में कई बार देखा है, एक दो बार हमने सर्विस भी कराई लेकिन फिर भी पड़ी रहती, कोई ज़्यादा यूज नहीं करता था, तो आज बेच दी उसे, ऐसा है। तो चलिए चलता हूँ अभी।